व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। सो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चा एलसीएम किस तरीके से हम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो बिना देरी के मैं आपको बता दूं कि अभी अभी आप लोगों ने जीसीडी और एचसीएफ का कोड बनाया है, तो आप उसके थ्रू भी इस कोड को कर सकते हो। अब उसके थ्रू कैसे करोगे आप, अगर हम आपको बताएँ तो देखिए, आपने अभी अभी निकाला जीसीडी, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने ए और बी का जीसीडी निकाला, तो उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय जो भी आपका रिजल्ट आ रहा था कर दो, तो ये आपका एलसीएम का कोड है जो हो जाएगा। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं, क्योंकि जीसीडी भी आपको लास्ट प्रोग्राम में आ ही गया, तो इस तरीके से कर लीजिए। एक सेकंड, इस तरीके को करने के लिए यहाँ पर हमारा जीसीडी है, ठीक है, ये हमारा वैसे जीसीडी निकल रहा है और ये हमने मैनुअली जो कोड लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ भी ले देती हूँ LCM और उसके अंदर A मल्टीप्लाई B कर देती हूँ, और फाइनली जब हमारे पास हमारा GCD निकल जाएगा तो उसमें मैं LCM A करके, अब मैं क्या करूँगी, LCM मल्टीप्ल LCM आ गया हमारे पास A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय A, ठीक है, और फिर हमारा ये जो उत्तर है, ये जो आंसर है, ये आ जाएगा किसका, LCM का, और उसके अंदर हम लोग लिख देंगे LCM A। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू यू कैन डू, जैसे कि फटाफट से एक नंबर एंटर करते हैं 190 और 24, तो बिल्कुल ठीक है, ये GCD और LCM हमारे पास में निकल करके आ गया। अब दूसरा तरीका, कौन से वाला तरीका, अब हमारे पास में जैसे कि हम दो नंबर ले लेते हैं, अगर हम जीसीडी या एलसीएम को अगर नहीं, अगला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि मल्टीपल ऑफ बोथ दी नंबर्स ऐसा होना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग दो नंबर ले लेते हैं, एक तो 24 और एक 60। अब मैं इनके मल्टीपल्स लिखती हूँ। अगर मैं बात करूँ 24 की यहाँ पर, तो 24 मेरे पास में आता है, एक तो खुद हो गया, और उसके बाद में 48 भी हो गया, और फिर इसके बाद में 24 की ही टेबल यहाँ पर लिख दो यार, 24 दिए 72 और 96 और 5×20 और 120 आ गया। अब मैं अगर इसके साथ जाऊँ 60 के साथ में, ठीक है, तो इसमें एक तो 60 आ गया और एक 6×2 = 12, 120 आ गया। तो देखो लीस्ट कॉमन तो कौन सा हुआ, 120 हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, 120 हमारा आंसर। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 की टेबल हम लिख देते हैं, 4×4 = 8, 4×3 = 12, 4×6 = 16, 4×5 = 20, 4×6 = 24, टिक 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 टिक। अब 6 लिखते हैं, 6 के अंदर अब ऐसा लिखते जाएंगे। अब इसमें देखो 12 और 12 कॉमन आ गए ना, तो ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। निकालना आ गया आपको एलसीएम, तो बिल्कुल हम लोग ये करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो टिक 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 किया है भाई, ये कहाँ तक जाएगा, तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर कोड है जो लिखेंगे। जैसे 5 का भी ले लो, 5×25 या फिर 5×25 ले लेते हैं। अब 5 में देखिए क्या है, 5 हो गया, 5×3 = 15, 5×6 = 20, 5×5 = 25, ऐसे हो गया, तो 25×25×25 = 50, हाँ, तो इसमें और है जो हमें करना पड़ेगा, एक तो 25, हाँ 25 हो गया यार दोनों का, क्योंकि 25 खुद भी तो आएगा ना यहाँ पर, है ना, हाँ बस। अब मैं क्या करूँगी बच्चा, इन दोनों को ना जो है कोड में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बात सिर्फ इतनी सी है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों यूज़र से मांग देते हैं, यूज़र हमारा ए और बी डाल देगा। अब हम क्या करेंगे बच्चा, लूप को चलाएंगे, 4 हमारा लूप है, आई इन रेंज कब तक चलेगा यहाँ पर, कब से शुरू हो करके, चलिए 1 से शुरू कर लेते हैं हम उसको, और चलेगा कब तक, जब तक ए और बी के मल्टीप्लाई तक ना पहुँच जाए, सॉरी +1 लिखेंगे। क्यों +1 क्यों कर रहे, क्योंकि जो भी यहाँ पर लिखोगे उससे एक कम तक चलेगा, और हमें एक कम तक नहीं उस तक चलाना है, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग हेयर वॉट +1। अब हमें करना ही कुछ नहीं है, जो भी हमारे आई के अंदर आता जाएगा उसको एक बार हम देखेंगे कि वो ए से डिविजिबल है, =0, एंड क्या वो बी से भी डिविजिबल है, अगर ऐसा होता है तब हम उसको एलसीएम बना देंगे, उस पर्टिकुलर हमारे आई को, आई वाले नंबर को, और फिर हम ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो हम इसी के साथ में, ओहो सेकंड, तो हम लोग इसी के साथ में अब यहाँ पर जाने वाले हैं,
एक तो आपके पास में मैंने तरीका ये वाला बता दिया कि भाई GCD निकालो और उसके थ्रू है जो आप अपना कोड करो, और दूसरा तरीका कौन सा, ये वाला जो हम करने वाले हैं। ए और बी आपने निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चा, लूप चलाएंगे हमारे पास में, एक सेकेंड, हम लूप चलाएंगे फोर आई इन रेंज, और कब तक चलाएंगे, एक से लेकर के जब तक हम ए और बी के मल्टीप्लाई तक नहीं पहुंच जाते। अब हमारा लूप चला, अब हम कहते हैं कि अगर हमारा जो आई है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है किसके साथ में, हमारे ए के साथ, एंड हमारा जो आई है वो कम्प्लीटली डिविजिबल है हमारे बी के साथ, ऐसा है तो हम कह दें क्या ये कि भाई हमारा LCM है ना जो निकल चुका है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग किसको कर दें, हमारे आई को प्रिंट करा दें, और जब हमारे पास में आ जाएगा सबसे पहले वाला तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो अगर ये बात हो गई तो अब हम यहाँ पर 90 और 24 को ही, 190 और 24 को लेके देखते हैं, 24 को तो आ गया। हाँ अब देखिए यहाँ पर, अच्छा करेक्ट आंसर इस दो कैसे हो गया, ओहो यहाँ पर GCD आ रहा था ना तभी तो मैं सोचूं LCM लिखना है, ठीक है, रीचेकिंग के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 190 और 24 था ना, ठीक है, तो यस। अब हम कुछ और नंबर लेके देखते हैं, 15 और हमने क्या निकाला, 5 और 25 निकाला था आई थिंक, है ना, 5 और 25 में से 25 आ रहा था, है ना, और क्या निकाला था हमने, 4 और 6 भी निकाला था, तो उनमें 12, ठीक है। ऐसे कोई भी आप नंबर डाल के देख लो, 79 और 90 कुछ भी, हाँ तो योर आंसर विल बी, ठीक है। तो ये कोड है इसका, बहुत ही ध्यान रखना, मैंने दो तरीकों से बता दिया GCD के अंदर क्या करना है, ए और बी को प्लस करके अपॉन में GCD, दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर द LCM, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए फिर आपको मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।